व्हाट इज फोर्स, बल क्या है? आज के इस वीडियो में जानेंगे बल वह भौतिक वाय कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसे विस्थापित कर दे या करने की चेष्टा करे। अर्थात जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और बल के प्रभाव से यदि वस्तु विस्थापित होता है या सिर्फ चेष्टा करते हैं तो हम कहते हैं कि हम उस वस्तु पर बल लगाए हैं। बल एक सदिश राशि है, इसे एफ द्वारा सूचित किया जाता है और बल का SI मात्रक न्यूटन होता है जिसे संक्षेप में N द्वारा सूचित किया जाता है, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। बल का प्रभाव क्या होता है, उसे इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है? बल किसी वस्तु की चाल को बढ़ा सकता है या उसे कम कर सकता है। बल किसी विराम में अगर कोई वस्तु है तो उसे गति में ला सकता है या गतिशील वस्तु को विराम में ला सकता है। बल किसी वस्तु की गति की दिशा को बदल सकता है और बल के प्रभाव से वस्तु के आकृति में परिवर्तन ला सकते हैं। तो चार प्रकार से आप यहाँ पर चार प्रकार दिया गया है बल का, जिसमें बताया गया है कि बल का क्या इफेक्ट हो सकता है किसी भी वस्तु के ऊपर, यदि बल लगाएंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। वहाँ पर कंडीशन दिया है कि वस्तु विराम में यदि होगा तो गतिशील हो सकता है और यदि गतिशील है तो आप बल लगा करके उसे रेस्ट में ला सकते हो, आप आकृति में परिवर्तन ला सकते हो। कोई गोलाकार आकृति का है उसे आप हथौड़े से पीट करके या दम लगा करके उसके ऊपर प्रेशर डाल करके उसे आकार में अलग शेप में ला सकते हो। कोई अगर किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आप उसको इसके ऊपर अगर बल लगाओगे या धक्का दोगे तो उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। बल का प्रकार क्या है ये समझते हैं। बल देखिए यहाँ पर दो प्रकार के बताया गया है कि स्पर्श बल होता है और दूरी पर क्रिया बल होता है। जब दो वस्तुओं के बीच परस्पर भौतिक संपर्क के कारण से उनके ऊपर बल आरोपित होता है तो उसे स्पर्श बल कहते हैं, जैसे कि घर्षण बल। और जब दो वस्तुओं के बीच बिना किसी भौतिक संपर्क में आए दूरी पर बल लगता है, कुछ दूरी पर ही रहता है और बल लगने लगता है तो उसे दूरी पर क्रिया बल कहते हैं और इसे असंपर्क बल भी नाम रखा गया। इसका असंपर्क बल भी इसको कहते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर है गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युतीय बल विद्युत के द्वारा जो लगता है, और चुंबकीय बल। तो यहाँ पर